सो वेलकम बैक गाइस। हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, क्योंकि 4 to 5 मार्क्स का इसमें से सवाल बनता ही बनता है। और इतना ही नहीं, ये थ्रू आउट द लाइफ टाइम आपको काम में आने वाला है। इंटर में कहो, फाइनल में कहो, या चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर करने के बाद प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी आपको इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाला है। ठीक है, तो हमने बेसिक देखा था कि जर्नल एंट्री डिपेंड्स ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, दैट इज डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम। इसमें हमने देखा, वी हैड सीन दैट किसी भी ट्रांजेक्शन का, एनी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स, दो अकाउंट्स को टच करके निकलता है, एक डेबिट होता है तो एक क्रेडिट होता है। इसके पहले वी यूज टू फॉलो दी सिंगल एंट्री सिस्टम, जो कि हमारे सीए इंटर का सिलेबस है। सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ वन वे रिकॉर्डिंग होता है। जैसे कि घर से हमें 10,000 रुपये पॉकेट मनी आया, हमने कहाँ कहाँ खर्च किया है उसका अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, बाद में वी हैड स्टार्टेड द जर्नल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। इसमें हमने देखा था कि डबल एंट्री सिस्टम दो अप्रोचेस है, दो मेथड है। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब जूना अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच मतलब नया नया। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने देखा था, तीन कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था किसी भी अकाउंट्स को, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। किसी भी ट्रांजेक्शन में जो अकाउंट्स आते हैं, उन अकाउंट्स को हमने तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया था, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। बोलो बच्चों, रियल का रूल क्या था? गोल्डन रूल्स देखे थे हमने, तीन गोल्डन रूल्स देखे थे। हर टाइप के अकाउंट का एक एक गोल्डन रूल देखा था। तो रियल का क्या था गोल्डन रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का क्या लिखा था हमने? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बाद में नॉमिनल का क्या देखा था? डेबिट ऑल इनकम एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये तीन हमने बेसिक गोल्डन रूल्स देखे थे। फिर बाद में हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, उसके जरिए हमने देखा था ट्रेडिशनल अप्रोच के जरिए हम इसे कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, वो हमने देखा था। तो ये था ट्रेडिशनल अप्रोच। सेकेंड है एक मॉडर्न अप्रोच, या हम कहेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, जो कि हमने जो अकाउंटिंग कंसेप्ट वाला बेसिक्स का टॉपिक था उसमें हमने डिटेल में देखा था अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन मैथमेटिकली प्रूव किया था हमने, LHS इक्वल्स टू RHS। तो LHS क्या था? असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, है ना। कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, तो ये जो हमारा है LHS, वो हमेशा किसी भी हालत में RHS के इक्वल में होगा। यही तो मैथ्स है और यही हमारे अकाउंटेंसी का मैजिक है। इसे हमने नाम दिया था अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या था अकाउंटिंग इक्वेशन? असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था? कैपिटल असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ओके, फिर वी हैड सीन सम ट्रांजेक्शन्स। हमने असेट्स को और मतलब इसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स करके देखे और चेक किया था कि असेट्स एंड लाइबिलिटी टैली हो रही है या नहीं हो रही है। ये हमने जब अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का टॉपिक पढ़ा था तब भी देखा था, उसी के साथ साथ प्रीवियस सेशन में भी हमने देखा था। ओके, हमारी क्या है भैया जी, किसी भी हालत में हमारी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट जीवन की बैलेंस शीट हमारी टैली होनी चाहिए, है ना, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। उसके बाद वी हैड सीन दैट, देखो पूरे अकाउंट्स में सिर्फ पांच बातें हैं, असेट्स है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है। असेट्स है, लाइबिलिटीज है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, कैपिटल है। असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल, डेबिट एंड क्रेडिट। असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट क्या थे? डेबिट क्रेडिट साहब कुछ नहीं था, एक कन्वेंशन था। जो लेफ्ट साइड में लिखते हैं वो डेबिट, जो राइट साइड में लिखते हैं उसको हमने क्रेडिट कहा था। अब असेट्स, असेट्स का कैसा बैलेंस होता है? असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। देखो ये मॉडर्न अप्रोच स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है। असेट्स का हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस। असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अब अगर असेट्स बढ़ रही है, असेट्स बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे? इसे और डेबिट करेंगे, ठीक है। असेट्स बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। असेट्स घट रही है, असेट्स कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये हमारा रिविजन ही चल रहा है, हमने ये अकाउंटिंग कंसेप्ट के टॉपिक में देख लिया था। लाइबिलिटीज का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है।
लाइबिलिटीज बढ़ रही है, क्रेडिट है तो और क्रेडिट कर दो, लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटीज घट रही है तो हम डेबिट करेंगे। इनकम का क्या होता है? इनकम का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। इनकम बढ़ रही है तो हम क्रेडिट करेंगे, इनकम घट रही है तो हम डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस का क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो हम डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो हम क्रेडिट करेंगे। कैपिटल का क्या होता है? कैपिटल का अगेन क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल बढ़ रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे, कैपिटल कम हो रहा है तो हम डेबिट करेंगे। ये हमने बहुत डिटेल में देखा था। और बस अगर आपको ये समझ गया है तो मॉडर्न अप्रोच के अंडर आपको अकाउंटिंग जम जाएगी, मॉडर्न अप्रोच के अंडर आपको जर्नल एंट्रीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा बुक में से। हमने इंट्रोडक्शन देखा था, बाद में एडवांटेजेस देखे थे, डेबिट क्रेडिट ये हमने देखा था। ठीक है, जो लेफ्ट साइड होती है अकाउंट्स की, किसी भी अकाउंट की जो लेफ्ट साइड होती है उसको डेबिट कहते हैं, जो राइट साइड होती है उसे हम क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, अब असेट, असेट बढ़ रही है, देखो असेट बढ़ रही है तो क्या करेंगे? डेबिट, है ना। असेट को डेबिट कब करेंगे? जब वो बढ़ रही है, कम कम हो रही है तो हम क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटीज का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटीज घट रही है तो डिक्रीज करेंगे, डेबिट करेंगे। कैपिटल को डेबिट कब करेंगे? जब कैपिटल कम हो रहा है। इनकम को डेबिट कब करेंगे? जब इनकम कम हो रही है। एक्सपेंसेस को डेबिट कब करेंगे? जब एक्सपेंसेस बढ़ रही है। हमने अभी जो देखा है प्रीवियस स्लाइड पे वही है। बाद में हमने देखा ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब क्या? कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इवेंट जिसके वजह से हमारा फिनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से फिनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है। सेल कर रहे, परचेस कर रहे, सैलरी पे कर रहे, एक्सपेंस कर रहे, रद्दी बेच रहे, कुछ भी कर रहे, कोई भी एक्टिविटी जिसके वजह से हमारा बैलेंस शीट थोड़ा सा हिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो उसे हम क्या कह रहे थे? ट्रांजेक्शंस कह रहे थे। बाद में अप्रोचेस टू एनालाइज डबल एंट्री सिस्टम। दो अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एक अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच भी वी हैव सीन इन वेरी मच डिटेल, एंड सेम गोज विथ अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। दोनों भी हमने बहुत डिटेल में देखा था। अब अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच का बेसिक फॉर्मूला क्या था? असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच का बेसिक फॉर्मूला था क्या? असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इसे रीशफलिंग कर सकते हो, लाइबिलिटीज को आप इधर ला लो तो असेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, जो चाहे जैसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है कर लो आप। अब इसको थोड़ा और चीरफाड़ करते हैं, असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल था। कैपिटल को हम स्टेक होल्डर्स इक्विटी भी कह सकते हैं, कैपिटल को हम स्टेक होल्डर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं। मतलब जो कंपनी का मालिक है उनका जो कैपिटल लगा है, जो उनकी इक्विटी लगी है, उसे हम स्टेक होल्डर्स इक्विटी भी कह सकते हैं। अब इसे क्या कहते हैं? वो स्टेक होल्डर्स इक्विटी, मतलब कैपिटल को फर्दर क्लासीफाई करते हैं कंट्रीब्यूटेड कैपिटल। मान लो हमने 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो 10 लाख रुपए यहाँ आ गए, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल। ठीक है, बाद में मान लो ईयर वन है, ईयर वन में हमने हमारा कैपिटल था 10 लाख। ठीक है, हमने 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ, 10 लाख का कैपिटल था प्लस 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल में ही जाएगा अल्टीमेटली। प्रॉफिट किसका है? हमारा है, हमको ने होना रहे, तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल। उसमें से मान लो हमने 60 हज़ार विड्रॉ किए थे, 60 हज़ार क्या किए थे? हमने ड्राइंग कर लिया था, पर्सनल खर्चे के लिए निकाल लिया था, तो बचा कितना था? 40,000। 40,000 का हमारा प्रॉफिट था जो अभी भी बिजनेस में है, हमने निकाला नहीं। तो इसे क्या कहेंगे हम? रिटेन्ड अर्निंग। इसे हम कहेंगे रिटेन्ड अर्निंग। हमारा ओपनिंग कैपिटल था 10 लाख, पिछले साल में हमें फायदा हुआ था 1 लाख, 1 लाख में से 60 हज़ार हमने पर्सनल खर्चे के लिए निकाल लिए थे, बचा था 40 हज़ार। तो ये 40 हज़ार क्या है? रिटेन्ड अर्निंग है। ये क्या है? रिटेन्ड अर्निंग है। बाद में ये साल कितना प्रॉफिट हुआ? ये साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो ये साल का प्रॉफिट माइनस ये साल हमने खर्चा कितना किया, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस, एक्सपेंस कैपिटल में कम होगा, माइनस डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? जो आखिरी में प्रॉफिट बचता है वो उसके शेयर होल्डर्स, कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स में जो प्रॉफिट हम बांटते हैं उसे हम कहते हैं डिविडेंड। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने देखा कि हमने देखा इनकम, ये जो इनकम है और ये एक्सपेंस है, ये अल्टीमेटली कहाँ चले जाते हैं? ये अल्टीमेटली कैपिटल में चले जाते हैं, है ना। हमारा इक्वेशन था असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल।
अभी कैपिटल में दो चीज़ें आ गई, इनकम भी आ गई और एक्सपेंस भी आ गया। इनकम एंड एक्सपेंस अल्टीमेटली कैपिटल में जाते। देखो अगर इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा, हमारा प्रॉफिट बढ़ा मतलब हमारी पूंजी बढ़ी। पूंजी मतलब ही क्या, कैपिटल। खर्चा हुआ तो हमारा प्रॉफिट कम हुआ, खर्चा हुआ तो पूंजी कम हुई, तो खर्चे का इफेक्ट भी कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा। तो हमने इसी इक्वेशन को थोड़ा एक्सपांड कर दिया है, इसी इक्वेशन को थोड़ा एक्सपांड कर दिया है। जैसे कि देखो असेट्स है, असेट्स है, असेट्स बढ़ी तो क्या करेंगे, असेट्स का क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो असेट्स बढ़ी तो डेबिट, कम हुई तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। अब लाइबिलिटी बढ़ी तो उसे और क्रेडिट करो, लाइबिलिटीज कम हुई तो डेबिट कर दो। इक्विटी का क्या होता है, कैपिटल का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल बढ़ा क्रेडिट करो, कैपिटल कम हुआ डेबिट करो। एक्सपेंसेस का क्या होता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन वही हो गया, ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन वही हो गया। रिटेन्ड अर्निंग वही देखा हमने, पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ और अभी भी जो बिजनेस में रखा हुआ है उसके वजह से क्या होगा, हमारा कैपिटल बढ़ेगा, तो वही जो इक्विटी का है वही। बाद में जो रिटेन्ड अर्निंग्स है या अर्निंग्स है उसमें हमारी इनकम होती है, इनकम का भी क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इनकम बढ़ा क्रेडिट साइड लिखो, इनकम कम हुआ डेबिट साइड लिखो। डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, हम आउटफ्लो कर रहे हैं, हमारा खर्चे जैसा है, वो खर्चा नहीं है खर्चे जैसा है, तो डिविडेंड दे रहे हैं तो हमारी कैपिटल कम हो रही है। डिविडेंड देने से कैपिटल कम होती है, तो डिविडेंड का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। डिविडेंड दिया, डिविडेंड बढ़ा तो प्लस, डिविडेंड माइनस किया, डिविडेंड कम किया तो हमने माइनस किया। रेवेन्यूज, रेवेन्यूज क्या, हमारी इनकम है, इनकम का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट करने का, रेवेन्यू कम हुआ तो डेबिट करने का। एक्सपेंसेस का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट करने का, एक्सपेंसेस कम हुए तो क्रेडिट करने का। सिंपल है एकदम, यस। क्लास एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। कहाँ पे ये असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी कहाँ प्रूफ होता है, ये बैलेंस शीट में होता है ना भी। या जी देखो हमने बैलेंस शीट में भी देखा था हमने, ये देखो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है ये हमारा, है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच देखा था हमने, अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसको हमने बैलेंस शीट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, असेट्स को यहाँ लिखा था, कैपिटल और लाइबिलिटी को यहाँ लिखा था। असेट्स में यहाँ जो एग्जाम्पल में हमने चेंजेस किए थे, जैसे 5 लाख से बढ़ी तो 5 लाख से यहाँ असेट्स बढ़ा दिया था, यहाँ लाइबिलिटी बढ़ा दिया था, तो वो कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है भैया जी सिर्फ और सिर्फ हमारे बैलेंस शीट में। कहाँ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे बैलेंस शीट में। है ना, बैलेंस शीट में। एग्जाम्पल दिया एक, हमने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए लाके, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट लगाना है, हमने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रही है। कैश क्या है, असेट है, तो 10 लाख रुपए से असेट्स खड़ी हो गई, ठीक है। अब हमने जो बिजनेस में पैसा लगाया ये लाइबिलिटी है क्या, नहीं, कैपिटल है। कैपिटल बढ़ रहा है तो हमने ओनर्स कैपिटल बढ़ा दी, है ना, सिंपल है। हमने बोरोड रुपीज 5 लाख, बिजनेस ने 5 लाख रुपए उधारी पे लिए, ठीक है, 5 लाख रुपए उधारी पे लिए तो क्या आया, रोकड़ा आया, चंचन कैश आई। कैश आई मतलब असेट, असेट बढ़ रही है तो प्लस 5 लाख्स, प्लस 5 लाख्स। अब बोरो किया, बोरो करना मतलब क्या, उधारी पे खरीदना। अब लोन लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही, मतलब ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमने पहले देखा था जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक आउटफ्लो होने वाला है, तो लाइबिलिटी है तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो यस 5 लाख से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, है ना। देखो एलएचएस लेफ्ट साइड में एक इफेक्ट गिर रहा है, राइट साइड में एक इफेक्ट गिर रहा है और इक्वल इफेक्ट गिर रहा है। बाद में विड्रीव कैश फ्रॉम बिजनेस ₹2 लाख, हम क्या कर रहे हैं, कैश ड्रॉ कर रहे हैं मतलब पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल रहे हैं। तो बिजनेस में से क्या जा रही है, रोकड़ा जा रहा है, कैश जा रही है मतलब असेट कम हो रही है, तो इसलिए -2 लाख, असेट्स कम हो रही है इसलिए -2 लाख। अब कहाँ से निकाल रहे हैं, हम कैपिटल में से ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारी कैपिटल भी कम हो रही है, तो कैपिटल हो रही है -2 लाख, कैपिटल हो रही है -2 लाख, ठीक है।
हमें लोन रिपेड टू दी एक्सटेंड ऑफ 1 लाख। यहाँ जो सेकेंड एंट्री में हमने 5 लाख का लोन लिया था उसमें से 1 लाख रुपये हमने लौटा दिए, तो मतलब क्या हो रहा है, कैश जा रही है, कैश दे रहे हैं हम, तो हमारा 1 लाख से भैया जी कैश कम होगा। इज इट ओके? यस। अब 1 लाख से कैश कम होगा लेकिन हमारी लाइबिलिटी भी तो कम होगी ना। पहले हमें कितना देना था, पहले हमें 5 लाख देना था, अब 5 में से 1 लाख हमने दे दिया, अब बचे कितने, सिर्फ 4 लाख देने हैं, तो हमारी लाइबिलिटी कितनी, 1 लाख से लाइबिलिटी तो कम हुई ना हमारी, यस, तो -1 लाख, -1 लाख। जब आप ऊपर से नीचे सम करते हो तो यहाँ पे 12 लाख और यहाँ 4 + 8, यहाँ पे भी 12 लाख। मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS मैथमेटिक्स का फंडा है, कभी फेल नहीं होने वाला है, LHS इक्वल्स टू RHS आने ही वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अकाउंटेंसी इज अगेन बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स पे ही बेस्ड है पूरी, ठीक है। ठंडे दिमाग से एक बार देख लो पूरा, ठंडे दिमाग से देख लो एक बार पूरा, रीड कर लो। ठीक है, ओके। बाद में ट्रेडिशनल अप्रोच डिटेल में देख लिया था हमने। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, 3 तरह के अकाउंट्स में हमने क्लासिफाई किया था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल एंड इम्पर्सनल है बेसिकली दो, और फिर बाद में इम्पर्सनल के दो बच्चे हैं, रियल एंड नॉमिनल। ओके, अब पर्सनल में आर्टिफिशियल पर्सन्स भी आ जाते हैं, जैसे कि कंपनी है, फर्म है, ट्रेडर है, वो सब है ना, तो ये देखा था। बाद में हमने गोल्डन रूल्स देखे थे, क्या देखे थे, गोल्डन रूल्स क्या थे, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना। बाद में हमने देखा था रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना, ये देखा था हमने। नॉमिनल में डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, ठीक है, देखा था हमने। ये अच्छी तरह से हमने याद कर लिया था, ये चिल्ला चिल्ला के बोला था हमने ये। ओके, नेक्स्ट, द डेट रिटन ऑफ एज बैड इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली आर, टिंग 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 चलो, डेट्स रिटर्न ऑफ एज बैड इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली आर। डेट्स देखो, डेट्स मतलब उधारी, हमने किसी को उधारी पे माल बेचा है तो वो हमारे लिए ट्रेड डेटर्स हो जाएंगे, हमारे लिए ट्रेड रिसीवेबल होंगे, ये हमने पहले टर्मिनोलॉजीज वाले टॉपिक में देखा था। अब मान लो हमने अनिल अंबानी को कुछ माल बेचा था 50 करोड़ का, अब हमें पता है कि इसके पास से कुछ नहीं मिलने वाला है, तो हमने क्या रिकॉर्ड किया था, बैड डेट, हमारा नुकसान रिकॉर्ड किया था, बैड डेट करके हमने रिकॉर्ड कर लिया था। अब सब्सिक्वेंटली ये हमें मिल रहा है, सब्सिक्वेंटली ये हमें मिल रहा है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, क्या कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट बनाएंगे और इसे हम क्रेडिट कर देंगे। पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, और फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होंगी, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा प्रॉफिट हुआ ना ये, यस। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिटेड। स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50 लाख, 50 लाख रुपए लगा के हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया भैया जी, पापा 50 लाख रुपए लगा के हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो कौन से अकाउंट इसमें हिल रहे हैं, कौन से अकाउंट इसमें हिल रहे हैं भैया जी, बिजनेस स्टार्ट किया 50 लाख लगा के, 50 लाख में क्या है रोकड़ा, कैश 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 कैश, तो 50 लाख से हमारे पास कैश आ रही है भाई जी, तो एक तो है इसमें कैश, और दूसरा क्या है भैया जी, हमने 50 लाख लगाया तो हमारी कैपिटल बढ़ गई,
तो दूसरा अकाउंट कौन सा हिट हो रहा है भैया जी? इसमें दूसरा अकाउंट हिट हो रहा है हमारा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो इसमें एक मिनट देना, इसको थोड़ा सा हम रेक्टिफाई कर लेता है जी। टा 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 ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50 लाख। भैया जी हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50 लाख का कैपिटल लाया। क्या लाया? 50 लाख का कैपिटल लाया। तो इसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो बैंक अकाउंट, हमने रोकड़ा लाया रोकड़ा, और दूसरा कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। देखो भैया जी, बैंक अकाउंट को ये क्या बोलता है? पर्सनल। बैंक अकाउंट पर्सनल, कैपिटल अकाउंट किसकी कैपिटल? हमारी कैपिटल, ओनर की कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल। तो ये भी क्या है भैया जी? पर्सनल। ये भी क्या है? पर्सनल। तो डेबिट और क्रेडिट, पर्सनल डेबिट तो रिसीवर, बैंक आई, बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट। डेबिट क्रेडिट द गिवर, किसमें? कैपिटल को क्रेडिट किया। ओके, वेजेस एंड सैलरीज पेस पेड, कौन से एक्सपेंसेस, कौन से अकाउंट आएंगे? वेजेस पे किया तो एक वेजेस एंड सैलरीज, और कैसे किया? पैसा, सारी खुशी पैसा। बैंक वेजेस सैलरीज, किसी को हमने सैलरी दी, क्या ये एक्सपेंस है? एक्सपेंस का इसमें जाएगा नॉमिनल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब एक्सपेंस एंड लॉसेस है तो क्या होना चाहिए? उसको हमने डेबिट करना चाहिए। बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है, जा रहा है। डेबिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल है, इसे क्रेडिट करना चाहिए। वेजेस सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड, रेंट मिल रहा है तो ये हमारी इनकम है बच्चा। रेंट अगर आप दे रहे हो तो ये आपका खर्चा है, लेकिन रेंट अगर मिल रहा है तो ये हमारी इनकम है। तो क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो होगा बैंक, रोकड़ा आ रहा है, और दूसरा रेंट, दूसरा रेंट। बैंक क्या है? पर्सनल है तो पर्सनल लिख दो, या इसे रियल बोल के भी आप असेट बोल के भी ट्रीट कर सकते हो। बैंक क्या है? पर्सनल है। रेंट हमारे लिए इनकम है तो नॉमिनल। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, बैंक में लक्ष्मी जी आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट। नॉमिनल इनकम आ रही है, क्रेडिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, टू रेंट अकाउंट। परचेज मेड ऑन क्रेडिट, हमने भैया जी उधारी पे माल खरीदा है, परचेज हो रहा है, मतलब क्या है ये हमारा? एक्सपेंस हो रहा है, परचेज, तो इसको हम करेंगे डेबिट। क्रेडिट पे मतलब क्रेडिट, रामलाल से हमने उधारी पे माल खरीदा तो रामलाल ने हमको उधारी दी। रामलाल कौन है? एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल में क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रामलाल ने उधारी पे माल दिया 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 दिया, क्रेडिट 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 क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट इज अकाउंट क्रेडिट, सिंपल जा रहा है। गुड सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड इन चेक, चेक में मिल रहा है, मतलब बैंक में आने वाला है। तो बैंक पर्सनल अकाउंट, सेल्स इनकम अकाउंट नॉमिनल, नॉमिनल में इनकम क्रेडिट करते हैं, सेल्स को करो क्रेडिट। पर्सनल डेबिट द रिसीवर, बैंक में असेट आ रही है तो डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये भैया जी हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे सॉल्व किया है। ठीक है, 2 मिनट में रीड कर लो, शांति पकड़ो, थोड़ा रिलैक्स, और रीड कर लो उसे एक बार, एक बार ये पूरा रीड कर लो। ठंडे दिमाग से सोचना है।
आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, अब देखेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मॉडर्न 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 अप्रोच। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच। अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच समझ गया है तो मॉडर्न अप्रोच में कुछ नया नहीं है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच पे ही मॉडर्न अप्रोच बेस्ड है। हमने देखा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन थे, असेट्स है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, ड्राइंग्स है। देखो ड्राइंग्स इसके पहले मैंने नहीं बोला था, ड्राइंग्स मतलब क्या है, कैपिटल का उल्टा ड्राइंग्स, कैपिटल का उल्टा ड्राइंग्स। जो हम बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, जो बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं नॉर्मली बैलेंस क्या होता है, असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। अब अगर असेट बढ़ रही है तो उसको हम डेबिट करेंगे, असेट कम हो रही है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटीज घट रही है तो डेबिट करेंगे। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे, कैपिटल घट रहा है तो डेबिट करेंगे। रेवेन्यू का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। कैप रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और रेवेन्यू घट रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एक्सपेंडिचर का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है डेबिट करेंगे, कम हो रहा है क्रेडिट करेंगे। ड्राइंग्स का क्या होता है, डेबिट बैलेंस, ज़्यादा ड्राइंग्स हो रही है तो डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स कम हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो मतलब जिसका जिसका डेबिट बैलेंस है, इन तीनों का डेबिट बैलेंस है तो ये तीनों एक ही ग्रुप में है। ठीक है, इन तीनों का एक ही इफेक्ट है, जब बढ़ रहा है तो डेबिट करो, कम हो रहा है तो क्रेडिट करो, बढ़ रहा है तो डेबिट करो, कम हो रहा है तो क्रेडिट करो। नेक्स्ट लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, इन तीनों का एक नेचर है, इन तीनों को एक ही इफेक्ट है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट करो, घट रहा है तो डेबिट करो। सिंपल है एकदम, अलग का समझ में आया क्या, सिंपल है एकदम। यस, अब देखो जैसे कि बैंक है, बैंक बैंक क्या है, असेट है। अब अगर बैंक में पैसा आ रहा है, असेट बढ़ रही है तो उसको हम कर देंगे डेबिट। ठीक है, क्यों, अगर इंक्रीज हो रही है तो। कैपिटल है, कैपिटल कैपिटल का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल एक तरह का लाइबिलिटी है समझो हमारा। अब कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो हम करेंगे क्रेडिट। उसी तरह सैलरीज क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो हम करेंगे डेबिट। बैंक क्या है, असेट है, असेट कम हो रही है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। असेट कम हो रही है तो हम क्रेडिट करेंगे। बैंक असेट है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, असेट बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रेंट, रेंट अगर रेवेन्यू है, रेंट मिला तो रेवेन्यू है, रेंट पे करना पड़ रहा है तो एक्सपेंस है। देखो एक ही चीज़ के दो पहलू है, रेंट अगर मिल रहा है तो हमारी इनकम है, रेवेन्यू है, रेंट अगर हम भर रहे हैं, हम रेंट पे कर रहे हैं तो खर्चा है। तो यहाँ रेंट अगर रेवेन्यू है तो रेवेन्यू बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। परचेज क्या है, हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, परचेजेस बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंसेस का अकाउंट बैलेंस क्या होता था, डेबिट बैलेंस, तो उसको डेबिट कर रहे हैं। ठीक उसी तरह क्रेडिटर्स, बैंक्स और सेल्स। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, अब
जर्नल कैसा दिखता है, जर्नल एंट्रीज, ठीक है? तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है, ठीक है? इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे हम जिसकी भी बुक है, जैसे कि रामलाल ट्रेडिंग कंपनी जर्नल एंट्रीज, ठीक है? अब जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट कैसा है, यहाँ डेट लिखते हैं। डेट कौन सी? जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हुआ था, जिस दिन वो ट्रांजेक्शन होता है उसकी डेट हम यहाँ लिखते हैं। फिर बाद में पर्टिकुलर्स, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू चिंटू, ठीक है? फिर यहाँ एक कॉलम होता है लेजर फोलियो का। लेजर फोलियो मतलब जर्नल में अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको बाद में हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, हम इसको इसकी समरी एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं। तो ये लेजर के कौन से पेज नंबर पे जा रहा है, लेजर में भी बहुत सारे पेज होंगे, तो लेजर के कौन से पेज पे जा रहा है वो हमें पता होना चाहिए क्रॉस रेफरेंस के लिए, तो इसलिए एक लेजर फोलियो होता है। आउटडेटेड कंसेप्ट है, अभी तो हम क्या कंप्यूटराइज बुक कीपिंग फॉलो कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर में ही अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो ये जर्नल लेजर का कंसेप्ट इतना रेलेवेंट नहीं है अब। एक होता है फिर डेबिट, एक होता है क्रेडिट, जो ये हम अभी ऊपर देख रहे थे। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट है, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको बाद में हम नरेशन में लिखते हैं। नरेशन मतलब क्या होता है, कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, नरेशन मतलब अपनी शुद्ध भाषा में लिख देने का है कि जो ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे कि चिंटू ने हमें 1 लाख का लोन लिया, हमने चिंटू से, बींग लोन टेकन फ्रॉम चिंटू, बींग लोन टेकन फ्रॉम चिंटू, सीधा सीधा लिख देना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? सिंपल सी बात है एकदम। 1 लाख आया हमारे पास, तो नरेशन लिख देने का है बींग लोन टेकन फ्रॉम चिंटू, ओके। बाद में एडवांटेजेस ऑफ जर्नल एंट्री, एक तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है, डेट वाइज आगे बढ़ते जाते हैं हम, डेट के हिसाब से हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है? नरेशन रिटर्न बिलो, मतलब 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भी अगर हम ये एंट्री देख ले तो हमें याद आ जाएगा कि हमने हमें चिंटू ने पैसा दिया था, लेकिन क्यों दिया था? उसने हमसे माल खरीदा था, उसने हमको लोन दिया था, उसने हमको गिफ्ट दिया था, उसने हमको डोनेशन दिया था, उसने हमसे रद्दी खरीदा था, उसने हमको रेंट पे किया, क्या किया, जो भी किया उसका नरेशन हम यहाँ लिख के रखते हैं। तो क्या होता है, हमें ट्रांजेक्शन अंडरस्टैंड होता है, और कई साल बाद भी नरेशन पढ़ के हम ट्रांजेक्शन को समझ सकते हैं क्या हुआ था। और लेजर में एंट्रीज आती ही कहाँ से, जर्नल से ही आती है, पोस्टिंग का बेस ही जर्नल है। अगर जर्नल प्रॉपरली रिकॉर्डेड है हमारे पास तो हम उसको लेजर में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। गाइज आई होप कि आपने अकाउंट्स के लिए एक बुक बना रखी है, रजिस्टर बना रखा है। अब एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, रजिस्टर में नहीं, क्या अपने पूरे रजिस्टर को डे वन को भी पेज नंबर लिख दो, सारे पेज नंबर लिख देना का है, ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन नंबर वन है, अब ये मान लीजिए आपका पेज नंबर चल रहा है 17, तो यहाँ ब्रैकेट में आपको लिख देना है 17। क्या लिखना है? 17, मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर वन है इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 17 पे है। ये प्रैक्टिस आपको फॉलो करना है, ब्रैकेट में लिख देना है आपने 17, मतलब आपके नोटबुक के पेज नंबर 17 पे ये आंसर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब मान लो आपकी बुक में जब आप नंबरिंग कर रहे हो, अभी आपका पेज नंबर 17 चल रहा है, वहाँ पे आप ये क्वेश्चन नंबर वन लिख रहे हो, तो कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नंबर वन बाय इसका पेज नंबर क्या है, इसका पेज नंबर क्या है 9, तो 1/9, इसका मतलब पेज नंबर 9 पे जो क्वेश्चन नंबर वन है उसका आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है? उसका आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं। तो कैसा होता है, हमारी टेक्स्ट बुक से नोटबुक पे जाना हो या नोटबुक से टेक्स्ट बुक पे आना हो, दोनों भी हमें आसानी से करते आना चाहिए। भैया जी, अब आप प्रोफेशनल कोर्स में हो तो आपको थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लाना होगा, पन्ने पलटाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सिस्टम फॉलो करना है आपको। जो भी पेज पे आपका आंसर आ रहा है वो पेज का रेफरेंस यहाँ लिख देना है और यहाँ पे क्वेश्चन का रेफरेंस लिख देना है। यही तो सर हमारा लेजर फोलियो है। लेजर फोलियो क्या है,
जर्नल है, ये अभी जर्नल है, तो जर्नल में लेजर के कौन से पेज नंबर पे ये पोस्ट हो रहा है वो लिख देना है। और जब हम लेजर बुक बनाएंगे तो लेजर बुक में जो एंट्री है वो कहाँ से लाई, जर्नल की जो जर्नल बुक है, जर्नल बुक का भी 1 2 3 ऐसा पेज नंबर होगा, तो कौन से पेज, कौन जर्नल के कौन से पेज पे ये एंट्री थी वो हमें पता करना है। तो हमें जैसे कि जर्नल में लेजर फोलियो होता है, उसी तरह लेजर में जर्नल फोलियो हमें बनाना होगा, ठीक है। अच्छा, अब अकाउंट्स कोई छोटा सब्जेक्ट तो है ही नहीं, जो आपका एक 200 पेज का रजिस्टर ले लिया और आपका अकाउंट्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको सेकेंड रजिस्टर, थर्ड रजिस्टर, फोर्थ रजिस्टर भी लग सकता है। अब मान लो फर्स्ट रजिस्टर में 200 पेज थे, 200 पेज में हमारा फर्स्ट रजिस्टर कंप्लीट हो गया। अब जब हम सेकेंड रजिस्टर लाएंगे तो उसका पेज नंबर 1 से 200 नहीं करना है, उसका पेज नंबर स्टार्ट करना है 201 से 400, ठीक है। पेज नंबर कंटिन्यू रखना है, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे अगर पेज नंबर लिखा है, यहाँ मैं लिखता हूँ पेज नंबर 19, तो पेज नंबर 19 रजिस्टर 1 का कि रजिस्टर 2 का कि रजिस्टर 3 का, कौन से रजिस्टर का, एग्ज़ाम के टाइम इतना टाइम नहीं होता हमें, तो हमने क्या करना है, सीरीज मेंटेन करना है। तो अब मान लो सेकेंड रजिस्टर चालू हो गया तो पेज नंबर 219, ऐसा आगे बढ़ते जाना है। इससे क्या होगा, आपका क्रॉस रेफरेंस काफ़ी ईजी जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो, ट्राई करने का, सॉल्व करो। एनालाइज द ट्रांजेक्शन ऑफ मेसर्स साहिल एंड कंपनी, किसकी बुक में कर रहे हैं हम, साहिल एंड कंपनी, फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017 ऑन द बेसिस ऑफ द डबल एंट्रेंस सिस्टम बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग अप्रोचेज, ठीक है। एक हमें अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से सॉल्व करना है, दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करना है हमको। ट्रांजेक्शन कौन से हुए हैं, फिगर्स आर इन थाउजेंड, ठीक है। साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक ऑफ ₹4,000, 4,000 की कैपिटल ला रहा है साहिल, तो क्या होगा। हमने कई बार देख लिया ये वाला, कई बार देख लिया हमने इसका, क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होना चाहिए इसका, बोलो। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से बताओ क्या क्या आएगा इसमें। करो कोशिश, जम रहा है क्या, चलो देख लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारा, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, रुपीज़ इन थाउजेंड है, तो रुपीज़ इन थाउजेंड, ठीक है। अब पहला ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक फॉर ₹4,000, मतलब साहिल ने बैंक में पैसा लाया 4,000, जो कि उसकी कैपिटल के लिए था, जो कि उसकी कैपिटल के लिए था। ठीक है, तो साहिल ने क्या लाया, 4,000 की बैंक लाया, तो बैंक क्या है, असेट है, बैंक क्या है हमारी, असेट है ना, बैंक असेट है, तो बैंक में कितना बढ़ रहा है,
क्या हो रहा है, बैंक लाया उसने, कितना लाया बैंक का, 4,000 रुपये लाया, तो 4,000 से हमारी असेट बढ़ गई। ये क्या है, हमारी कैपिटल है, कैपिटल है, तो ये हमारे कैपिटल 4,000 से बढ़ जाएगा। ठीक है, लाइबिलिटीज़ पे कोई ऐसा रहेगा क्या, नहीं। तो 4,000 से असेट बढ़ी, 4,000 से कैपिटल बढ़ गया, टैली हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश विदड्रॉन फ्रॉम द सिटी बैंक ₹200। अब सिटी बैंक में हमारा अकाउंट है, तो उसमें से हमने ₹200 निकाले, पर्सनल के लिए निकाले क्या, नहीं, बिजनेस के लिए निकाले, तो बैंक से हमने कैश निकाली, तो कैश बैलेंस बढ़ गया, हमारा कैश बढ़ गया। कैश क्या है, असेट है, बैंक कम हो गई, एक असेट बढ़ गई और एक असेट कम हो गई, तो सेकेंड का क्या इफेक्ट होगा, सेकेंड का क्या होगा, कैश हमारी बढ़ गई, कितने से, ₹200 से कैश बढ़ गई, हमने बैंक से कैश विड्रॉ की, लेकिन बैंक अकाउंट कम हो गया, कितने से बैंक अकाउंट कम हो गया, 200 से बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया, है ना, एक असेट बढ़ गई, एक असेट कम हो गई। यहाँ पे कुछ इफेक्ट गिरा क्या, नहीं, यहाँ कुछ भी इफेक्ट नहीं गिरा आरएचएस में। ठीक है, नेक्स्ट, लोन ऑफ ₹500 टेकन फ्रॉम वाई, वाई से हमने 500 का लोन लिया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, लोन ले रहा है, मतलब कैश आ रही है, लोन ले रहा है मतलब पैसा आ रहा है, तो कैश में असर गिरेगा, कितना, 500 से हमारी असेट बढ़ गई, 500 से हमारी असेट बढ़ गई। अब लोन लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा, तो लोन क्या है, लाइबिलिटी है, तो हमारी 500 से लाइबिलिटी बढ़ गई, 500 से हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट, सैलरीज पेड फॉर द मंथ फॉर द मार्च 300 एंड 100 इज स्टिल पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च। हमने 300 की सैलरी पे कर दी है और ₹100 की सैलरी अभी भी हमारे पास पेबल है, 300 की सैलरी हमने पे की है और ₹100 की सैलरी अभी भी पेबल है, तो क्या आएगा इसका इफेक्ट, क्या आएगा इसका इफेक्ट, हमारा एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस कितना हो रहा है, 400 की सैलरी देनी है हमको, कितनी, 300 प्लस 100, ₹400 की सैलरी देनी है, तो ये क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ जाता है, हमारा कैपिटल में जाता है। अब हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है मतलब कैपिटल कम हो रहा है, मतलब कैपिटल हमारा कम हो रहा है, तो सैलरी हम अगर पे कर रहे हैं तो हमारा ₹400 से कैपिटल कम होगा, ₹400 से कैपिटल कम होना चाहिए, 400 का एक्सपेंस बढ़ा मतलब प्रॉफिट कम हुआ मतलब कैपिटल कम हुआ। अब कितनी पे कर दी हमने, 300 पे कर दी, तो 300 का कैश का आउटफ्लो हो गया, ₹300 चले गए, तो हमारा असेट में ₹300 कम हो गया, असेट में ₹300 कम हो गया, लेकिन अभी भी ₹100 तो देने बचे हैं ना, ₹100 तो अभी भी देने बचे हैं, तो ₹100 की हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो हमारी +100 हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, ₹100 से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। समझ आ रहा है, सिंपल है, हर चीज़ के जितने भी इफेक्ट हैं हम पोस्ट करते जा रहे हैं। फर्नीचर परचेज ₹500, अब फर्नीचर खरीदा तो हमारे पास क्या आया, फर्नीचर आई, फर्नीचर क्या है, असेट है। ठीक है, कितने का असेट बढ़ गया, 500 का हमारा असेट बढ़ गया। ठीक है, 500 का हमारा असेट बढ़ गया, कौन सा असेट बढ़ गया, फर्नीचर, बदले में क्या गया, 500 की कैश गई, तो कैश कम हो गई हमारी 500 से, 500 से हमारी कैश कम हो गई। यहाँ पे आरएचएस में कुछ भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, जब हम इसे टोटल करके लिखेंगे, जब इसकी हम टोटल लेंगे तो कितना आ रहा है, ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है या नहीं हो रहा है, देख लो, चेक कर लो यहीं कहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारा अकाउंट टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, सिंपल है एकदम, इजेंट इट, बहुत सिंपल है। चलो कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसको,
ठीक है, ये हो गया हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से। अब देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच से क्या हो रहा है। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या हो रहा है बताओ ज़रा। हमें ट्रांजेक्शन को डिकोड करना है। ऐसा एक मॉड्यूल आपको इंस्टीट्यूट के पास से मिलने वाला है, ठीक है। हमने क्या किया देखो, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन अभी हमने किया था, ठीक है। ये हमने मॉडर्न अप्रोच से, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से ऐसे किया था, ठीक है। हमने थोड़ा अलग प्रेजेंट किया है, आप चाहो तो इसका फोटो ले सकते हो। आपको इसका फोटो लेना है तो ले लो, अभी हमने जो किया है उसको इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हो। फोटो लेना हो तो ले लो, ठीक है, ले लिए फोटो ले लो इसका, ठीक है। अब अगर इसे हमें ट्रेडिशनल अप्रोच से देखना है तो हमने क्या किया है, साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक ऑफ रुपीज 4,000, 4,000 का कैपिटल लाया, इंट्रोडक्शन रुपीज 4,000 थ्रू बैंक बाय द प्रोप्राइटर। तो इसका क्या हो रहा है, बैंक में पैसा आया है। बैंक क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक में मिल रहा है तो बैंक को डेबिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बाद में क्या हो रहा है, कैपिटल आ रहा है। कैपिटल क्या है, अगेन पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, लिख लेना है आपको ये। नेक्स्ट हमने कैश विड्रॉ की बैंक में से, तो क्या हो रहा है, कैश कम्स इनटू बिजनेस, कैश आ रही है लेकिन बैंक्स बाहर जा रही है। कैश क्या है, हमारी असेट है। असेट्स क्या होते हैं, रियल अकाउंट होती है। कैश बढ़ रही है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को हम करेंगे डेबिट। बैंक क्या है, पर्सनल, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक को हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट लोन फ्रॉम वाई, क्या हो रहा है, बैंक में 500 रुपये आ रहे हैं। बैंक क्या है, पर्सनल बोलो या रियल बोलो जो भी है, तो उसे हम करेंगे डेबिट। कौन दे रहा है, वाई। वाई क्या है, लाइबिलिटी है। वाई क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो वाई क्या है, पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिट द गिवर, तो वाई को हम क्रेडिट कर देंगे। सैलरी पेड 300 एंड स्टिल पेएबल 100। इसमें क्या क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सर्विस मतलब 400 का एक्सपेंस हो रहा है। एक्सपेंस क्या है हमारे लिए, नॉमिनल है। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सैलरी 400 से डेबिट कर देंगे। बैंक गिव्स आउट 300, बैंक में से 300 रुपये जा रहे हैं। बैंक क्या है, पर्सनल। पर्सनल का क्या है, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक को कर दे रहे हैं हम क्रेडिट, बैंक अकाउंट को कर दे रहे हैं हम क्रेडिट। बाद में क्या है, अभी भी 100 रुपये देने बचे हैं। ये क्या है, किसी को देना है, आउटस्टैंडिंग पर्सनल है, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। नेक्स्ट फर्नीचर खरीदा था 500 का, फर्नीचर आ रही है, फर्नीचर क्या है, असेट है। असेट क्या होता है, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे। क्या जा रही है, छन छन पैसा जा रहा है, रोकड़ा जा रहा है, तो रोकड़ा क्या है, बैंक जा रही है समझो, तो बैंक क्या है, पर्सनल। कैश जा रही है तो रियल, रियल का क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का क्या है, क्रेडिट द गिवर, कुछ भी पकड़ो आंसर क्रेडिट ही आने वाला है, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच से इसका सल्यूशन, कॉपी कर लो।
ट्रेडिशनल अप्रोचेस का आंसर ऐसा आ रहा है, कॉपी कर लो। कॉपी कर लो इसको जल्दी जल्दी। ठीक है, हुआ कॉपी। चलो अब इसमें खास बात क्या है, हमने दो अलग अलग अप्रोचेस देखे लेकिन दोनों भी अप्रोचेस का फाइनल आंसर सेम ही आ रहा है, फाइनल आंसर सेम ही आ रहा है। जिस अकाउंट को डेबिट करना था यहाँ पे, जिसे डेबिट किया वही इसे यहाँ पे भी डेबिट किया है। कोई भी अप्रोच फॉलो करो आंसर सेम ही आने वाला है। ओके नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, ये कुछ ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं इसे आपको जर्नलाइज करना है। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ईच अकाउंट इन्वॉल्व इन द जर्नल एंट्रीज, आपको इसको जर्नलाइज करना है और इसका नेचर भी बताना है। ट्रेडिशनल अप्रोच से करना है मतलब आपको इसका नेचर भी बताना है। जनरली ये जो नेचर का सवाल है ये सिर्फ अभी फाउंडेशन लेवल पे और वो भी इस टॉपिक में पूछता है। लाइफ में कोई कभी आपको नहीं पूछने वाला है कि रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। ठीक है, यहाँ पे बस आपकी क्लैरिटी के लिए, आप पहली पहली बार जर्नल एंट्रीज कर रहे हो तो आपका नॉलेज चेक करने के लिए, कि आपने कॉपी वॉपी तो नहीं किया, या आपका नॉलेज की क्लैरिटी चेक करने के लिए आपको नेचर पूछ रहे हैं। नहीं तो लाइफ में कभी इसके आगे वो नेचर नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही पूछी जाएंगी। तो आपको नॉर्मल जर्नल एंट्रीज ही रिकॉर्ड करनी है, सिर्फ यहाँ पे नेचर स्पेसिफिकली बोला है इसलिए नेचर भी करना है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके आना है कल। ओके चलो आज यहीं रुकते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।